IMIM कार्यालय में, और हमारे साथ संजीव भाई और यहाँ पर मुंगालाल जी मौजूद हैं। और लोगों का ये वहम है कि सिर्फ ये पार्टी मुसलमानों की पार्टी है, इन्होंने ये साबित कर दिया है। आज गैर मुस्लिम भी लोग अख्तरुल ईमान साहब की मोहब्बत में, IMIM की मोहब्बत में शामिल हुए हैं। भाईजान मुंगालाल जी, आप क्या कहना चाहेंगे आप IMIM पार्टी के बारे में, अख्तरुल ईमान साहब? बहुत अच्छा पार्टी है, हम लोग जो है पार्टी को देख के वोट नहीं, अख्तरुल ईमान जो है बहुत अच्छा आदमी है, हर क्षेत्र में घूमते हैं, वो दुख दलित में सब चीज में साथ देते हैं, और इस बार उसी को जिताना है, हर हाल में जिताना है। और क्या लग रहा है, आप इलाके के अंदर घूम रहे हैं तो लोगों की जो रुझान है, सोच है, उसके मुताबिक सबके जुबा पे वही बात है, अख्तरुल ईमान साहब इस बार जीतेंगे 100%। तो हम बात करेंगे संजीव भाई से, क्या इलाके के अंदर क्या हालात है और लोगों का क्या रुझान है? बहुत अच्छा हाल है, इस बार अख्तरुल ईमान साहब पूरा। तो ये हमारे मुंगालाल जी और संजीव भाई बता रहे थे कि बिल्कुल इस बार किसी भी धार्मिक या फिर ऐसा कुछ इसमें फंसके नहीं, बल्कि अख्तरुल ईमान साहब की खासियत पर, उनकी अच्छाई और सच्चाई पर साथ देकर के अख्तरुल ईमान को जिताकर पार्लियामेंट भेजना है। आप देख रहे हैं News 24/13। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हर खबर की जानकारी सबसे पहले आपको मिल सके। बिल्कुल निश्चित है कि जीत रहे हैं, हर हालत में जीत रहे हैं। अच्छा। आपको यहाँ नहीं पता चल रहा है तो आप गाजपुरा जाके, बिलवा गाजपुरा जाके देखिए कि वहाँ क्या हो रही है। सिस्टम के मुताबिक बहुत ही बेहतरीन लाजवाब काम हो रही है, और यहाँ काम शुरू हो रही है, मौसम खराब होने की वजह से थोड़ा देरी से, लेकिन बादवन की तरफ